हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ की डीओई की तरफ से आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर 21 अक्टूबर की मैंने ये वर्कशीट लगा रखी है जो एपी से ही रिलेटेड है। एक सिंगल क्वेश्चन हमारे को क्वेश्चन ऑफ द डे में दे रखा है कि रे फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। एक एपी की 31st टर्म आपको निकालनी है जिसकी 11th टर्म आपको दे रखी है 38 है और 16th टर्म आपको दे रखी है 73 है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। देखो मुझे A11 दे रखा है 38 है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर A+10D लिख सकती हूँ, क्योंकि A11 यही होता है A+10D इजिकल टू 38। एक मुझे दे रखा है A16 73, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर A+15D। जनरल फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, तो मैंने दोनों को क्या किया, माइनस किया, साइन चेंज हो गए। साथ में आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5D, क्योंकि 10 में से 15 जाएगा तो माइनस ही बचेगा। उसके बाद 38 और 73 है, होगा तो माइनस, पर माइनस का 35 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई, क्योंकि 5 की टेबल में 35 7 पे आता है। इसको मैंने क्या किया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। ऐसा मैं इसलिए करूँ ताकि ए और डी दोनों की वैल्यू निकल जाए और उसके बाद मैं अपनी 31st टर्म को निकाल सकूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास इक्वेशन 1 है यहाँ पर, A+10D इज इक्वल्स टू में 38। ए ऐसी है +10, डी की जगह 7 लिख दिया, यहाँ पर 38 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू में 38 है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस है। अब 70 को मैं दूसरी साइड ले गई तो माइनस का हो गया। 70 में से 38 माइनस किया तो 32 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। अब मुझे A31 निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे कह रहा था 31st टर्म निकालो, वो होती है मेरे पास A+30D, ठीक है। ए की वैल्यू है माइनस का 32 और डी की वैल्यू है आपके पास कितनी, 7, जो आपने अभी निकाली थी ऊपर। तो माइनस का 32 +30 × 7 210 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब 210 में से हम क्या करते हैं, 32 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 178 और यही मेरी A31 है, क्लियर है। तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन 21st ऑफ अक्टूबर का, जो कंप्लीट हो गया। इस चैनल पे आपको सारी वर्कशीट्स मिलेंगी, प्लस आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस, साथ के साथ आपको जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उसके सॉल्यूशंस भी, सब चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।